हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राज्यसभा से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये भारतीय संविधान का पार्ट 29 है और राज्यसभा का सेकेंड पार्ट। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम। जहां संविधान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां राज्यसभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा है, आप वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने पर। राज्यसभा का कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी की बात कर रहा है ये, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्राप्त करता है अनुच्छेद 312 राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में पर कानून बना सकती है? यदि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यदि, अब देखिए यदि के बाद आपको आंसर लगाना है तो आप वीडियो को रोकिए, इसको पढ़िए, बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, बड़े आंसर है, हाल के आप आंसर नहीं लगा सकते, वीडियो को रोकिए और इसको लगाइए आंसर। फिलहाल सही आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तब कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे के प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 14 दिन। ठीक है, कितने दिन? 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? देखिए यहां पर लिखा है एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अपने प्रैक्टिस सेट जितना भी मैंने बच्चों को लग पाया है,
ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 14 दिन। ठीक है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? SSC में क्वेश्चन आया है ये, निम्न में से किस परिस्थिति में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके, क्वेश्चन है राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अब देखिए बार बार ये क्वेश्चन यहां सेट पेपर में रिपीट हो रहा है कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन हमने जब पहला सेट प्रैक्टिस सेट यहां पढ़ा है, इससे पहले क्वेश्चन जब पढ़े हैं, तो वहां साफ साफ हमने पढ़ा था राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? SSC में क्वेश्चन आया है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 55 देखा, क्या बोला उसने, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के लिए? तो 12 लोगों को कर सकता है। अब यहां पूछा गया कि भाई ये अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है ना, ये अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 80। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? SSC में क्वेश्चन आया है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। ठीक है, अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा है, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है हम परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन यहां पढ़ रहे हैं, अधिकतर इंपॉर्टेंट है सभी। राज्यसभा है, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? भंग नहीं हो सकती है, तभी तो उसको स्थायी सदन कहते हैं। क्वेश्चन है 59, राज्यसभा एक है, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, राज्यसभा एक है, सही आंसर है स्थायी सदन, तभी इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? SSC में क्वेश्चन आया है ये, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिन का समय। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। ठीक है, अधिकतम अवधि है ये कितना? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे के ग्रुप डी में अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कपूर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं और सुनील दत्त ऑप्शन लगाते हैं अधिकतर। ठीक है ना, पृथ्वीराज कपूर थे पहले। चलिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? रेलवे में देखिए क्वेश्चन आया है और SSC में भी पूछा गया, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राइट आंसर है नरगिस दत्त। ठीक है, सुनील दत्त की ये वाइफ थी, यानी कि बीवी थी नरगिस दत्त। ठीक है, संजय दत्त की मां। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए क्वेश्चन में 65 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल।
राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राइट आंसर है बी एस रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? महासचिव बी एस रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था, राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 13 मई 1952 को। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेटे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा कब भंग की जाती है? आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये, राज्यसभा कब भंग की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? वीडियो को रोकिए, उसका सही आंसर लगाइए। सही आंसर मैं आपको बतला देता हूं, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 और 2 ये कथन सही है। देखिए पहला कथन क्या है, राज्यसभा की अधिकतम अनुयोग्य संख्या यानी कि सीट है 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वीडियो को रोकिए, उसका सही आंसर लगाइए। इस प्रकार के समय में क्वेश्चन में समय लगता है, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा भी गया है। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कूट, यहां पर ए सही है, यानी कि 1 और 2 कथन यहां पर जो दिए थे कूट वो सही है। कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए उसको। देखिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन यहां ऑप्शन कट रहे हैं क्वेश्चन के, लेकिन पूरा करेंगे हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया ये, आईएएस के एग्जाम में। कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा कथन है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, आपको बताना है कौन से कथन इसमें से सही हैं। देखिए ये इसके ऑप्शन हैं, और मैं आपको सही आंसर बता देता हूं क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ा दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सत्य है। अब केवल एक क्या था तो हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए वहां पर हमने आंसर लगाया कि केवल एक सत्य है, यानी कि पहला वाला, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में आया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 दिन, और लगभग अभी तक हमने इसको 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन यहाँ रिपीट इसलिए हो रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको कि भाई किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और किस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन को दिया है। एक ही क्वेश्चन को 4 बार अब तक हम पढ़ चुके हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? रेलवे में यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 महीने, सॉरी यहां आंसर गलत लगा दिया, सही आंसर होगा 6 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 77, राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, राइट आंसर ऑप्शन डी कभी नहीं। 80 क्वेश्चन है लगभग इसके अंदर, और 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई तरीके से। अब ध्यान रखिएगा, अब तक आपको याद हो गया होगा राज्यसभा भंग नहीं होती भाई, क्योंकि ये स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? यूपीपीसीएस में आया दोबारा से, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना किसी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है?
यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है, कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा की सीटें यहां पर दी हैं, यदि आपको याद होंगी तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले याद होना चाहिए राज्यसभा लोकसभा की सीटें, किसी भी एग्जाम से बैठने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन बना देता है इस प्रकार से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश 18 सुमेलित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश 18 सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित यानी कि पेश नहीं किया जा सकता? सीडीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यसभा में पहले यानी कि पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है, राज्यसभा का एक विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, ये इसका राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।